हाय, दिस इज रेणुका, योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो 2024 एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी प्लान कैसे करनी है? इंग्लिश में अगर आप वीक हैं, प्री में 25+ और मेंस में 30+ कैसे आप स्कोर कर सकते हैं विदाउट एडिटोरियल और ग्रामर रूल्स? बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान क्या हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट लेट मी टेल यू ऑल, आप प्री प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चंस पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आपको पीडीएफ मिल जाएगा 1000+ क्वेश्चन आंसर का, और दूसरा 500+ मेंस लेवल क्वेश्चन का भी पीडीएफ सेम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, इंग्लिश में स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहले यू नीड टू राइट डाउन द टॉपिक्स जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, ये भी हम एक जैसे कहा है मैंने आपको स्ट्रैटेजी प्लान कैसे करना है, क्या इजी होते हैं, क्या डिफिकल्ट होते हैं, क्या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एक एक करके हम प्लान करेंगे। जैसे आप भी कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने ये एनालाइज करते होंगे। जैसे आप मॉक्स दे रहे हो, कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एनालाइज आप डेफिनेटली करते होंगे कि किसमें आपने कितना स्कोर किया है, किस आपका कौन सा स्ट्रांग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना है कि ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चंस और इसमें आपको कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बता दूंगी। उसके बाद आप अपने स्ट्रांग और वीक एरिया के अकॉर्डिंग भी ये नोट डाउन करके रखना। जैसे मैंने कहा है, आपको नोट डाउन करना है टॉपिक्स, साथ में ये भी लिखना है क्या ईजी होते हैं, क्या डिफिकल्ट होते हैं, क्या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। जैसे कि ये दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक न्यू पैटर्न अभी एग्जाम्स में रिसेंट एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है, और एक होता है ओल्ड पैटर्न जिसे पैराजेंबल भी कहा जाता है। इसे मैं मॉडरेट साइड पे इसलिए रख रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली जो भी है ये सब इंग्लिश में जो वीक है उनके बेसिस पे है। जो स्ट्रांग है वैसे तो उनके लिए सभी ईजी होंगे, बाकी जो डिफिकल्ट उनके लिए है, जो मॉडरेट उनके लिए है, वो इस जो इंग्लिश में वीक है उनके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो उनके लिए तो सभी इजी होंगे, बाकी ये वीक जो इंग्लिश में है उनके बेसिस पे क्या मॉडरेट है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, पैराजेंबल इसलिए मॉडरेट होते हैं क्योंकि अगर आपको सिर्फ पहला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस ये बता देते हो, बीच में क्या क्या सेंटेंस, टोटल 5 सेंटेंसेस या 6 सेंटेंसेस होते हैं एग्जाम में, आपको फाइंड आउट करना है एक के बाद एक क्या होगा। अगर आप बीच के 3-4 सेंटेंसेस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि किसके बाद क्या होगा, अरेंज नहीं कर पाओगे, तो वो पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके, इसलिए मैं मॉडरेट साइड पे इसको रख रही हूँ। तो इसको अभी मैंने जो भी टॉपिक्स लिखा है या जो भी ये प्रीलिम्स के जो भी हैं, स्पेलिंग एरर, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वाप जिसे कहते हैं, मैच द कलम, ये सभी मैंने आपको एक बताया हुआ है क्लासेस करके, एक एक करके कि किसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इस वो क्लासेस आप देख सकते हो, उसके बाद वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ क्या इजी होते हैं, क्या मॉडरेट होते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो, उन क्लासेस को देख लोगे तो वो आपको और भी ईजी लगेगा। ठीक है, देखो, एक न्यू पैटर्न होता है जो सिर्फ छोटे छोटे 3-4 सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको अरेंज करना होता है, वो अभी रिसेंट एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं, तो ये इजी साइड पे मैं रख रही हूँ, 4 out of 5 आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग एरर, ये क्लर्क लेवल के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं काफी, ये इजी होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि कुछ वर्ड्स आपको बोल्ड में दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक का आपका स्पेलिंग एरर होगा जो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है वर्ड रिप्लेसमेंट, या फिर इसको वर्ड स्वाप भी कहा जाता है। वर्ड रिप्लेसमेंट एक होता है, वर्ड रीअरेंजमेंट एक होता है, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। वर्ड रिप्लेसमेंट क्या होता है, 4 या 5 वर्ड्स बोल्ड में दिए गए होंगे, आपको 2 वर्ड्स अप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं होंगे, उनको सिर्फ रिप्लेस करना है। मतलब ए एक वर्ड होगा, ए होगा उसके साइड पे, और दूसरा वर्ड बी होगा, ऐसे करके सी डी, ऐसे करके 4-5 वर्ड्स होंगे। ठीक है, आपको रिप्लेस करना है ए का वर्ड जो है, अगर वो सही नहीं बैठ रहा है, जो डी के जगह पे अगर वो बैठ रहा है, तो ए डी ऐसे करके ऑप्शन में होगा, ए डी बी सी ऐसे करके होगा, तो आपको वो ए डी जो होगा उसको टिक करना है। ठीक है, ये इजी होते हैं। अगर आपको एक भी वर्ड मिल गया जो अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड रीअरेंजमेंट क्या हो गया, सेम वही सेंटेंस में एक ए बी सी डी करके 4-5 वर्ड्स आपको गिवन होंगे, बट आपको रीअरेंज करना है। 4-5 जो वर्ड्स होंगे वो अपने प्लेस पे, सभी अपने प्लेस पे सही नहीं होंगे, ए हो सकता है बी के जगह पे हो, बी हो सकता है सी की जगह पे हो, और सी हो सकता है ए की जगह पे हो, ऐसे करके होगा, ऑप्शन होगा सी ए बी डी बी ए सी डी ऐसे करके होगा। जैसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हो ना, वैसे ही वर्ड रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है,
उसके बाद मैच द कलम, ये भी इजी होते हैं। दो कॉलम्स होंगे ABC करके, एक कॉलम में दूसरे कॉलम में DEF होगा। अगर आपको एक भी कॉलम से एक भी सेंटेंस आपको पता लग गया कि ए का जो है वो ई से मैच कर रहा है या डी से मैच कर रहा है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके उसके बाद उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। ये तीन तरह के पूछे जाते हैं। एक हो गया सेंटेंस में एरर आपको पूछ रहा होगा, जो ग्रामेटिकल एरर होगा, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ये अक्सर मेंस लेवल में पूछा जाता है, प्री में कम पूछा जाता है या फिर पीओ प्री में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये मॉडरेट इसलिए रखा गया है, मॉडरेट कह सकते हो या फिर इसको लेंदी कह सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि चार पांच सेंटेंसेस होंगे, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। बट वहां पे सिर्फ एक ही सेंटेंस होगा, एरर जो सेंटेंस में है वहां पे सिर्फ एक ही सेंटेंस होगा, तो वहां पे टाइम कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे चार पांच सेंटेंसेस होंगे तो उनको सभी को पढ़ना है, सभी में आपको एरर जिसमें है उनको अलग रखना है, जो करेक्ट है उसको ढूंढना है ना, तो इसमें टाइम टेकिंग ही होगा, ये लेंदी होगा, ठीक है। एक होता है मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं, एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा एरर्स हो सकते हैं, वो आपको मेंस लेवल को एग्जाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये दो तरह के होंगे, एक डायरेक्ट फ्रेज दिया जाएगा जिसको आपको अगर मीनिंग ना पता हो तो ये मॉडरेट हो सकता है आपके लिए। दूसरा ग्रामर बेस्ड, एक ही थोड़ा एक कुछ दो तीन वर्ड्स होंगे उसको आप फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो या फिर इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा ग्रामेटिकल एरर होगा वहां पे, जो इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। डायरेक्ट फ्रेज होगा तो मॉडरेट इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो मॉडरेट होगा, ठीक है। उसके बाद फिलर्स होते हैं, सिंगल और डबल फिलर्स होते हैं। इजी तो मॉडरेट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस किया है और आपका वोकैब स्ट्रांग है तो आपके लिए इजी बन जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए ये फिर मॉडरेट बन जाता है, ठीक है। और डबल फिलर्स इजी हो जाते हैं तब जब आपको, क्योंकि देखो डबल होंगे ना फिलर्स, एक भी फिलर का अगर आपको एक वर्ड पता लग गया तो दूसरे वर्ड का क्या होगा ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए वहां पे कर सकते हो, ये इजी हो जाता है तब, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा, अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो आपके लिए इजी है, अगर आपका वोकैब स्ट्रांग नहीं है और तो फिर आपके लिए ये मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट भी सेम है, अगर आप इजी टू मॉडरेट इसलिए है, प्रैक्टिस और वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा देन डेफिनेटली इजी होगा, नहीं होगा तो ये आपके लिए मॉडरेट होगा। ये भी ओल्ड पैटर्न एक होता है, सिर्फ आपको ब्लैंक दिया जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा वहां पे फिट बैठेगा। दूसरा भी न्यू पैटर्न पूछा जा रहा है, एक ब्लैंक होगा उसके साइड पे एक ब्रैकेट में वर्ड गिवन होगा, या तो वो वर्ड वहां पे बैठ सकता है या फिर जो ऑप्शंस में होंगे वो उसमें से भी आप वो बैठ सकता है, तो ये थोड़ा मॉडरेट साइड पे आपका जाएगा, ठीक है। उसके बाद RC होता है, ये इजी होता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो, देन डेफिनेटली आपके लिए इजी है। मेंस में तो और भी इजी, मैंने आपको बताया हुआ है मेंस की इंग्लिश स्ट्रेटजी, अगर वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि RC मेंस क्यों है, क्योंकि वहां पे RC में जो भी ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि वर्ड्स ऑफ हो गया, फिलर हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, वो भी आपको RC में पूछे जाते हैं तो वो इजी बन जाता है तब। और छोटे 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 RCs होते हैं मेंस में, ठीक है। उसके बाद ये जो है टॉपिक्स, ये मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, प्री में नहीं पूछे जाते हैं। पैरा फिलर्स, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, ऑड सेंटेंस आउट, वर्ड यूसेज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सारे मेंस में आते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको PDF दिया गया है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। पैराफिलर्स क्या हो गया, एक पैराग्राफ गिवन होगा, लास्ट में एक ब्लैंक गिवन होगा या फिर मिडिल में हो सकता है, फिर स्टार्टिंग में भी एक ब्लैंक गिवन हो सकता है, और पांच सेंटेंस ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उसमें से क्या जो होगा वो करेक्ट होगा, फिट बैठेगा वहां पे, वो आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टर्स और कनेक्टर्स क्या होंगे, तीन दो या तीन सेंटेंसेस होंगे जिनको आपको मर्ज करना है, जो भी ऑप्शंस में गिवन होगा, स्टार्टर होगा या फिर कनेक्टर होगा, उन वर्ड्स को आपको वहां पे बिठा के मिडिल में बिठा सकते हो, स्टार्टिंग में बिठा सकते हो। स्टार्टिंग में होगा तो वो स्टार्टर हो गया, मिडिल में होगा तो वो कनेक्टर हो गया, ठीक है। तो उनको मर्ज करना है, इसलिए उनको बोला जाता है स्टार्टर्स या कनेक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑड सेंटेंस आउट। पांच आपको, जैसे आप पैराजम्बल होता है ना वैसे ही पांच आपको सेंटेंसेस गिवन होंगे, उसमें से एक होगा जो उस पैसेज के थीम से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है कि वो गलत है, वो वहां पे ऑड है, ठीक है।
उसी इसलिए इसको कहा जाता है और सेंटेंस आउट। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड यूसेज। ये भी आपको इजी तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब आपको पता लग जाएगा। देखो, दो तीन सेंटेंसेस होंगे, आपको कहा जाएगा कौन सा करेक्ट यूज है उस वर्ड का या फिर कौन सा इनकरेक्ट यूज है। आप दो तीन सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता होगा तो आप सेंटेंस से फाइंड आउट कर सकते हो किस सेंटेंस से क्या मतलब हो सकता है या सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है। उस बेसिस से भी आपको इजी लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने कहा ये फ्रेज रिप्लेसमेंट की, जैसे आपको कहा कि एक छोटा सा बोल्ड कर दिया जाएगा पार्ट, उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल एरर होगा जो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो वो इजी होते हैं, मेंस में थोड़ा लेंदी कर देगा क्वेश्चन, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो ये सारे जैसे मैंने कहा आपको इजी मॉडरेट क्या क्या है, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करते हो। एक एक टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पीडीएफ से लिया है आपने, पीडीएफ प्रैक्टिस करोगे तो एक एक टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको नोट डाउन करना है कि क्या टॉपिक आपसे बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, किसमें आउट ऑफ 5 कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, क्या इजी है क्या मॉडरेट है, ये करके आपको वही चीज एग्जाम में अप्लाई करना है कि ये क्वेश्चन आपको करना है ये नहीं करना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।